नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी जीवन उत्साह के दर्शकों का। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं जब भी कोई प्रयास करता हूं तो उसके पीछे एक खास वजह होती है कि अन्याय और भ्रष्टाचार, इन दोनों चीज़ों को उजागर करना मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं, क्योंकि आज देश का मीडिया जिस तरह से व्यस्त हुआ पड़ा है तो ऐसी उसकी व्यस्तता को देखते हुए हमें लगता है कि ये छोटे छोटे मुद्दे हमारे लायक ही हैं, हम ही इनको उठा सकते हैं और हम ही चाहते हैं कि उनको उठाएं। ये बिजली जो विकास खंड है इसमें पंचायतें 52 आती हैं, और मैं इस मुद्दे पर आपको लेकर चलने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आज अगर सरकार अगर मान लो किसी को पैसा देती है कि यार आप घर बना लो अपना, तो 1.5 लाख रुपये सरकार देती है घर बनाने के लिए। 1.5 लाख रुपए में भाई साहब बाथरूम नहीं बनता है। 1.5 लाख में सरकार घर बनाने का पैसा देती है कि भाई आप बना लो, और लोग पता नहीं मैनेज भी कर लेते हैं भाई, चलो 1.5 मिल रहा है कैसे ना कैसे करके कर लेते हैं। गरीब आदमी के लिए बड़ी बात हो जाती 1.5 लाख रुपए भी। लेकिन जब सरकारें लाखों रुपये पानी में बहा देती हैं, खड्डे में डाल देती हैं, तो बड़ा दुख होता है और बड़ा आश्चर्य होता है इस बात को समझ करके, यार हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो नेता हैं, वो लोग कोई भी काम जब करवाते हैं उसके लिए जो पैसा देते हैं वो पैसा आम जनता का ही पैसा होता है, और उस पैसे को जब कोई अधिकारी कोई कर्मचारी बर्बाद कर देता है या बर्बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, तो फिर आप सोचिए कि उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का, उस सरकार का माई बाप क्या होगा। मैंने आपको कल बताया था कि मैं एक बिजली ब्लॉक के अंतर्गत अभी बिजली पंचायत में खड़ा हूँ मैं, और बिजड़ी पंचायत का ये वार्ड नंबर 3 दसुहा गांव में एक डंगा जो 2020-21 के कार्यकाल में प्रस्ताव में लगा हुआ है, और ये डंगा पिछले साल बरसात में गिर गया। बरसात में नहीं, एक सिंपल बारिश हुई थी पिछले साल, उसमें गिर गया था। अच्छा, मजे की बात देखिए, ये डंगा इसके ऊपर जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है 3 लाख रुपये MLA फंड से आया था, और लगभग 2,42,000 समथिंग रुपीस जो है, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पर 2,42,000 मेरे सूचना में मेरे को ये पता लगा है कि लगभग इस पर लगा था 5 लाख रुपये लगभग इस डंगे को लगाने में लगा था। जो डंगा मेरे सहयोगी यहाँ से दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ से लेकर और ये देखिए यहाँ पर, मतलब अगर मैं इसको पूरा काउंट करूँ तो ये आपका 17-18 फिट का, मतलब करीब 6-7 मीटर का डंगा ये लगा है, और उसके आगे जाकर आगे तक ये वो आप जो एंगल देख रहे हैं वहां तक लगा हुआ है ये, मतलब ये मान के चलो कि 17-18 फीट का जो हिस्सा है वो इसका डंगे का गिर गया है। मतलब आगे के डंगे की अगर मैं बात ना करूं तो 17-18 का जो फीट का 20 फीट का जो हिस्सा है वो ये डंगा अपनी जमीन पे दिख ही नहीं रहा कहीं भी, मतलब डंगा ही नहीं दिख रहा, वो गिरा हुआ शायद नीचे, उसके अस्थि पिंजर वहां गिरे हुए हैं, हरिद्वार तक मुझे लगता है पहुंच गए होंगे। भाई साहब, सवाल यहाँ ये आता है कि 3 लाख रुपए से ऊपर काम जेईज के अंडर में होते हैं, और आपको याद होगा कि पहले बड़सर में भी एक डंगा गिरा था, वहां पर भी एक जेई साहब का हमने ये सवाल पूछा था कि जेई साहब आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं तो डंगे लगाने का जो तरीका है या उसकी जो परिभाषा है वो आपको सबसे ज्यादा पता है, BDO साहब इंजीनियर नहीं होते, तकनीकी सहायक इंजीनियर नहीं होता, प्रधान सेक्रेटरी वार्ड पांच इंजीनियर नहीं होते, उनके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, वो तो सिर्फ काम को देख रेख कर सकते हैं, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है किसी स्ट्रक्चर को बनाने का वो जेई की जिम्मेवारी है। और मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि ये डंगा लगाने के महज 1 साल के अंदर अंदर गिर गया। अब इससे ये डंगा तो गिरा ही गिरा, इनसे अभी बरसातें हो रही हैं, ये पूरा मकान है मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ऊपर मकान है ये, अभी ये जो ताजा देख रहे हैं गिरा हुआ, ये भी अभी गिरा है, ये अभी गिरा इस बरसात में, ये इधर देख रहे हैं ये, अब ये मकान को खतरा हो गया है, अब ये मकान वाले विधायक साहब के पास पहुंच जाएंगे कि साहब मेरा भी डंगा लगाओ। और सही बात है, खैर लोगों को जाना ही पड़ेगा जब इस तरह की सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये डंगा लगाया गया था, जब इस डंगे के ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया था, तो किसने इस बात को चेक किया कि ये जो डंगा लगाया जा रहा है ये इतना बढ़िया तरीके से लगाया जाए कि ये बारिश में गिरे ना। और अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अगर मैं वहां तक पहुंच पाया, मैं कोशिश करता हूं, माइक अगर आपको आवाज कम आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वहां तक एक थोड़ा रिस्क लेकर मैं पहुंचता हूं, और मैं आपको एक जगह एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक ऐसी मैं चीज दिखाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपको जरूर समझनी चाहिए, हमारे अधिकारियों को और हमारे जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं देख रहे हैं उनको देखनी चाहिए। मैं बिल्कुल डंगे के कोने पे पहुंच गया, ये देखिए जी मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और
मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को समझते हुए कि ये देखिए डंगा देख रहे हैं आप, ये डंगा अपनी जगह से ये देखो स्लिप हो गया है, टूटा नहीं है। जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो ऊपर की ईंट ऐसे खिसक गई ना, ये ऐसा डंगा खिसका हुआ है। भाई साहब 6-6 लाख रुपए आप लोग लगा रहे हैं, कोई आपके बाप का पैसा है क्या? आपके दादा ने कमा के रखा हुआ है कि वो हमारे को आप दे रहे हैं? ये भाई हमारे बाप ने और हम जनता की बाप दादा ने कमाई हुई दौलत में से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी पे लगाया, उनको इतना काबिल बनाया कि वो सरकार को टैक्स दे सकें, इतना लायक बनाया कि मोबाइल खरीद सकें और उसका बिल दे सकें और फिर वो टैक्स सरकार को दें। तो ये जो डंगा देखिए, अभी मैं आपको एक और बड़ी चीज बताता हूं, बड़ी समझने वाली बात है साहब। ये देखिए ये डंगा बिल्कुल यहां प्लेन है और इस डंगे के साथ में आगे तक डंगा गया हुआ था, तो इस डंगे का कहीं ज्वाइंट तो था ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि इस डंगे को आपस में ज्वाइंट किया गया हो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आधा पार्ट ये लगाया फिर आधा पार्ट आगे लगा दिया, पर लगाते जाओ क्योंकि आप तो दीवार दे रहे हो आंगन की, डंगा थोड़ी दे रहे हो। नीचे से इसकी जो विड्थ है वो लगभग 4 फीट है और ऊपर तक ऐसे ही जा रहा है और ये बेचारा खिसक गया अपनी जगह से, और डंगा आगे भी मुझे लग रहा है फट गया वो सारा, ये भी शायद डंगा गिरने ही वाला है। बात यहां ये है कि बड़सर का डंगा गिरा उसमें पैसा लगा, ये भी डंगा गिरा इसमें भी पैसा लगा, तो 10-12-15 लाख रुपए तो दो डंगों के अंदर घुस गया। अब यहां पर मुझे सुनने में ये आया कि उस तत्कालीन बीडीओ साहब भी यहां पर आए, विधायक साहब लखनपाल जी भी यहां पर आए और लखनपाल जी ने पैसा 3 लाख रुपए दिया हुआ था। ये आने के बाद में उन्होंने देखा डंगा गिर गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, किसी पे नहीं, किसी को नहीं पूछा कि भाई साहब ये डंगा कैसे गिरा। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये गृह जिला आपका हमीरपुर, आप ही बता दीजिए ये पैसा लगाने के बाद में इसमें कौन आदमी है जो जिम्मेवार है इस बात का कि भाई अगर हम डंगा लगा रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इस तरह से मेंटेन हो, कौन आदमी है वो उसके बारे में बताइए आप, जिससे जाकर पूछा जाए, जिससे पूछा जाए कि भाई साहब आपने 5-6 लाख रुपए लगाया, ये डंगा कब तक चलेगा, कब तक इस डंगे की लाइफ होगी। अब इतने डंगे लोग अपने घर के पास लगाते हैं भाई साहब, वो तो गिरते नहीं। इस ब्लॉक में डंगे लगाने की प्रक्रिया, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या जो जेई हैं, अगर जो जेईज हैं, अब मुझे पता नहीं कौन जेई इसमें शामिल थे, मैं वार्ड पंच है उनसे पूछूंगा कौन जेई इसमें शामिल थे, या फिर मैं प्रधान को फोन करूंगा या सेक्रेटरी को फोन करूंगा, उनसे पूछूंगा कौन जेई थे जिन्होंने इन डंगे को देखा था। जो भी जेई हैं उनसे क्यों रिकवरी ना की जाए इस पैसे की, ये 5-6 लाख रुपए जो लगाया, और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी एसडीओ लेवल पे जांच होनी चाहिए कि ये जो डंगा लगाने की तकनीक है, डंगा ही खिसक गया, नीचे नींव ही नहीं है। ये 5-6 लाख रुपए जो बह गए, ये 5-6 लाख रुपए क्यों बहे, कौन इस पे हिसाब किताब मांगेगा, क्यों रिकवरी नहीं की जाए इसकी, और आज तक किसी अधिकारी के सामने जब आई, विधायक साहब के सामने आया तो क्यों नहीं पूछा जेई से कि भाई ये कैसे गिरा डंगा, कोई जरूरत नहीं है। और देखिए बड़े मजे की बात है, इसकी शिकायत बरबली बीडीओ साहब को की गई थी, अब जिन्होंने की है बेचारे वो सोचते होंगे कि चलो उनको भाईचारे में समझौते में कर देते कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, कर देंगे आपका, कोई समझौता करा देंगे, सेटिंग करा देंगे। इस देश में साला सेटिंग शब्द इतना गंदा है ना, इस सेटिंग पता नहीं क्यों करना चाहते हैं, हर जगह ही सेटिंग क्यों करना चाहते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि यार इतना लाखों रुपए लगाया हुआ है, इसको सही ढंग से लगाओ ताकि हमारी जनता जो पैसा देती है सुविधा के लिए वो कम से कम उसको सुविधा मिल जाए। तो यहां पर प्रधान, वार्ड पंच, जेईज, बीडीओज या जितने भी एसडीओज जो भी लोग इसके संपर्क में रहते हैं, उन लोगों को इस मुद्दे पर आकर पहले जांच करनी चाहिए कि भाई साहब ये डंगा आखिर लगा कैसे, और अगर सही तरीके से लगा होता तो गिरने का सवाल नहीं बनता है। अगर मान लीजिए ऊपर से पानी आने के भी चांसेस हैं तो उसमें पाइप डाली जा सकती है बड़ी, कि भाई एक बड़ा पाइप डाल दिया आपने और पानी को बाहर निकाल दिया, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। 5-6 लाख रुपए लगाओ डंगे बह जाओ, अगली बार फिर सैंक्शन ले लो, विधायक के पास फिर पहुंच जाओ पैसे देने के लिए, क्योंकि विधायक ने तो काम एक ही लिया हुआ है पैसे देने का डंगे लगाने के लिए। तो मैं यहां पर उपायुक्त महोदय और अतिरिक्त उपायुक्त महोदय और बीडीओ साहब, विधायक साहब, आपको ये सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं
कि आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं इस तरह के काम जब होते हैं उनके लिए। अभी हमारे बीच में सुनील कुमार जी बाढ़ पंच हैं, ये अभी वर्तमान के, उस समय तो ये बाढ़ पंच नहीं थे। सुनील जी, जी ये आपने देख लिया होगा मुद्दा जी, आपके सामने ही है। अब आप भी बाढ़ पंच हैं जी, यहां से लेकर ये जो डंगा गिरा हुआ है कहीं टूटा नहीं हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल ये ऐसा है जैसे डंगे के साथ में कोई डंगा कोई चीज चिपकाई हुई थी, ऐसे चिपकाई हुई थी, पर इधर की चीज बैगी और इधर वाले की ऊपर की सब बैगी, बाकी खड़ा हुआ है। ये क्या मामला था, कब का हुआ था और क्या हुआ था? जब आप बाढ़ पंच बन गए होंगे तब ये शिकायत घिरा होगा। हाँ जी, उस टाइम क्या बात हुई थी जरा बताएं। उस टाइम सर बारिश हुई थी, पिछली बरसात की बात है ये जी, मतलब दो तीन दिन काफी बारिश हुई जी, तो उसी टाइम ये थोड़ी थोड़ी स्लाइडिंग होने लगी, फिर बाद में अगले दिन पता लगा कि डंगा बह गया। सुबह देखा तो डंगा बह गया। डंगा कहाँ गिरा था जाकर? डंगा सर नीचे है, पूरा पूरा बह गया था, पूरा बह गया सर। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, देखे कौन आया था? आए विधायक साहब आए थे जी। अच्छा और कौन आए थे? और सर हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी आए, बीडीओ साहब भी आए होंगे। बीडीओ साहब तो मैडम जी थी, मैडम थी उस टाइम बीडीओ, हिमांशी जी शायद, या केदारनाथ जी पांडे जी थे? नहीं नहीं, केदारनाथ जी, केदारनाथ जी थे। तो फिर क्या बात हुई, उन्होंने क्या बोला विधायक साहब ने, शाबाश दी पंचायत को? नहीं सर, उस टाइम तो दरअसल मैं नहीं था ना। अच्छा, मेरे टाइम में नहीं, बाढ़ पंच नहीं थे आप उस टाइम? मेरे को बुलाया नहीं था ना। अच्छा आप थे बाढ़ पंच, आपको बुलाया नहीं? नहीं सर। बताइए ऐसा क्यों भाई, बाढ़ पंच को क्यों नहीं बुला रहे हो आप? अच्छा चलो फिर आपको पता तो लगा ही होगा क्या बात हुई, क्या हुआ था? नहीं सर कोई पता नहीं लगा। नहीं, विधायक कब आए पता नहीं लगा? नहीं सर। देखिए मैं विधायक साहब अगर आपसे सवाल पूछूंगा ना आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि 3 लाख रुपए आपने जो दिए वो आपकी कमाई नहीं थी, वो जनता का ही पैसा था। उस पैसे को आपने दिया अपनी जिम्मेवारी के ऊपर, क्योंकि आपको हमने चुना इसलिए कि हमारे पैसे को सही लगवाएंगे। आपने हमारे पैसे को ये लगवाया और उसके बावजूद आपके संज्ञान में बात आई, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई एक्शन, कोई ऑर्डर नहीं दिया। अब ये फिर मकान का ऊपर खतरा हो गया इनको, ये फिर मकान गिरेंगे। तो ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके राज में आपके सरकार आज है, आपके सामने जेईज हैं, उनसे आपने क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है? क्यों नहीं पूछ रहे हो आप उनसे कि भाई ये जो काम हो रहे हैं गलत क्यों हो रहे हैं? जेईज किस लिए अपॉइंट किए हुए हैं आपने? जेईज को अपॉइंट करने का मतलब तनख्वाह है, आप उनको 1-1 लाख रुपए 70-80 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, घर की रोटी लेकर शाम को घर के चले जाते हैं, और क्या चाहिए? तो इतनी भी अंधेर नगरी ठीक नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा, इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें कि ये डंगा जो गिरा उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, जेईस के खिलाफ क्या एक्शन लिया और जेईस से रिकवरी की जाए। अभी बड़सर का डंगा भी बाकी है, एक डंगा और हो गया है, ये 2 डंगे तो आपके सामने ही है और मुझे लगता है और भी डंगे गिरे होंगे। अभी लोग सूचना देते नहीं, हमारे पास तो सूचना आई तब हम पहुंचे। तो आप इस पे कार्रवाई करें और जनता इसको लेकर कमेंट करे कि आखिर हमारे प्रतिनिधियों की लापरवाहियां, हमारे कर्मचारियों की लापरवाहियां, हमारे अधिकारियों की लापरवाहियां फिर जनता को नुकसान देने के लिए तैयार हैं, और ये दोबारा अब इस तरह की अगर कोई बारिश होगी तो ये मकान भी गिर जाएगा। अभी तो डंगा गिरा है, ये मकान गिर जाएगा। तरपाल गिरा है वो इसको ढक रहे हैं फिलहाल, ये तो लैटरिंग है नीचे, बताइए ये भी नीचे गिर, ये इनका नुकसान हो जाएगा, लाखों रुपए का और नुकसान हो जाएगा, घर गिर सकता है, बारिशों को क्या भरोसा है, पूरे बड़े बड़े बिल्डिंगें बहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारियां पंचायतों को भी लेनी पड़ेंगी कि पैसा सही ढंग से लगे। अब जेईज ने पैसा लगा दिया, बात खत्म होगी, क्या इंजीनियरिंग है बताइए आप? ये डंगा नीचे से खिसक गया, ये डंगा आधा इसको जॉइंट नहीं आपस में किया वो डंगे को, जब जॉइंट नहीं किया हुआ तो फिर आप कैसे इस डंगे को टिकाएंगे? क्या टेक्निक है, देखिए कितनी गहरी नीम होनी चाहिए, कैसे ये डंगा लगना चाहिए, और अगर ये जगह सही नहीं थी तो यहां और क्या लग सकता था, ये इंजीनियर का काम है। तो जीवन उषा न्यूज के साथ आप बने और इस भ्रष्टाचार को आप बंद कीजिए, नहीं तो आपकी पीढ़ियां जो भी गलत अधिकारी कर्मचारी गलत तरीके से काम करवा रहे हैं और झोलझाल करने का प्रयास कर रहे हैं, लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इतना भी हाहाकार मत मचाइए कि जो काम है उनको आप अगर कोई नहीं बोल रहा, आपकी बहुत चलती है सरकारों में, नेता आपके गुलाम बने पड़े हैं, तो कम से कम जनता का तो ध्यान रखिए, किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी घर गिर जाएगा, कहां से बेचारा पैसा लाएगा, कहां से लाएगा दोबारा घर बनाने के लिए। तो जीवन उषा न्यूज के साथ आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बिजड़ी पंचायत के अंतर्गत दसूहा गांव है, वार्ड नंबर 3, और ये कुलदीप सिंह जी का घर है, उनके घर के पास ये डंगा लगा हुआ था। तो इस डंगे को लेकर कार्रवाई करें और विधायक साहब आप इसके लेकर सख्त एक्शन लें, हमारी तो आपसे यही उम्मीद है कि आप सख्त एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे, रिकवरी करेंगे इसकी,
ये जो 5-6 लाख रुपये लगाया हुआ है इसमें कौन दोषी है, कौन जिम्मेवार है, ये आप तय करेंगे और आप इसके ऊपर रिकवरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जीवनसार न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए, आपका शुक्रिया।